इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम तो माफ है, पर एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे टैक्स जरूर लगता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन का टैक्स कब लगता है, एग्रीकल्चर लैंड या फिर कोई भी लैंड और बिल्डिंग बेचने पे टैक्स कितना लगता है और इसको बचाया कैसे जा सकता है। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पर मैं वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। एग्रीकल्चर लैंड पर कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? दो तरीके के लैंड होती है, एक तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और एक दूसरी होती है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है, इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं लग सकता। दूसरा होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, पर गवर्नमेंट बोलती है कि वो एक कैपिटल एसेट है और इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कौन सी लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और कौन सी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो इसमें ये है कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए और 2 साल वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए सेल होने से पहले। तो ये 2 कंडीशन है जिससे वो एग्रीकल्चर लैंड कही जाएगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर लैंड। पर वो अर्बन है या रूरल है ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपको 2 कंडीशन चेक करनी है, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा उसका नियरेस्ट म्यूनिसिपैलिटी से डिस्टेंस चेक करना है। तो आपको उसकी पॉपुलेशन चेक कैसे करनी है? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप उसकी पॉपुलेशन चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूं, उससे आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। आपने पॉपुलेशन तो चेक कर ली, अब आपको चेक करना है उसकी म्युनिसिपैलिटी एरिया के नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है। बट इसमें भी 2 केसेस हैं, एक तो म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर है और एक दूसरा म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर। अगर किसी भी म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर आती है और वो उस म्युनिसिपैलिटी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो बाय डिफॉल्ट वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही कही जाएगी। और म्युनिसिपैलिटी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा। पर अगर म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर है तो भी उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अब सवाल आता है कितना बाहर? अगर पॉपुलेशन उस म्युनिसिपैलिटी एरिया की 1 लाख तक है तो इसके चारों तरफ 2 किलोमीटर तो जमीन है, उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। पर अगर उस म्युनिसिपैलिटी की एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है तो उसके चारों तरफ 6 किलोमीटर की जमीन को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। पर अगर उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो इसके चारों तरफ के 8 किलोमीटर की जमीन को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा। भले ही आप उस जमीन के को गांव बोलते हो या फिर उसको ग्राम पंचायत में आता हो, फिर भी वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। अब सवाल आता है कि ये डिस्टेंस कैसे चेक करोगे, कि वो 8 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, वो कैसे चेक करोगे? इसमें आप 2 चीजें चेक करनी है, एक तो जो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर की जो लिमिट है उसको आपको एरियल व्यू की तरह देखना है, आपको रोड डिस्टेंस बिल्कुल नहीं देखना, इसको आपको एरियल व्यू देखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी जगह का डिस्टेंस बाय रोड 17 किलोमीटर आता है तो अगर प्लेन से सीधा जाए उस जगह पे तो कितना डिस्टेंस आएगा, उसको एरियल व्यू कहते हैं। एरियल व्यू के लिए आप गूगल मैप्स को भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आप तहसीलदार या फिर उसके ग्राम पंचायत से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ये सब कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान सकते हैं और इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कही जाएगी और इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। इसको बेचने पे कितना टैक्स लगेगा? अगर कोई भी लैंड 2 साल तक होल्ड किए हुए हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और 2 साल से ज्यादा तक होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर सेल करोगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और उस पर टैक्स रेट 20% लगेगा। पर बजट 2024 में ये रेट 12.5% कर दिया है और इस पर कोई भी इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को अगर सेल करोगे तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा
और उस पे टैक्स रेट इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब आप समझते हैं कि जो कैपिटल गेन को आप इनकर कर चुके हैं उसको आप सेव कैसे करेंगे, हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ योर लैंड। अब इनकम टैक्स के कौन से प्रोविजन है जो कहता है कि आप लैंड बेचिए और टैक्स बचा लीजिए, तो इसमें तीन सेक्शन है जो लैंड बेचने के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उससे आप बचा सकते हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 54B, दूसरा सेक्शन है 54EC और तीसरा सेक्शन है 54F। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं ये तीनों सेक्शन के बारे में। अब सेक्शन 54B क्या कहता है, अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और आपने इसको बेच दिया है तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसे आपको कोई दूसरी अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी पड़ेगी और आपको जो कैपिटल गेन लगा हुआ है वो पूरा माफ हो जाएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन है या फिर लॉन्ग टर्म गेन है आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। ये एक ही सेक्शन है 54B जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, पर इस सेक्शन को यूज करने के लिए कुछ कंडीशन है। पहला है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही यूज कर सकता है, कोई कंपनी LLP इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, इस सेक्शन का बेनिफिट तब मिल सकता है जब आप कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, आप कोई कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल लैंड खरीदते हैं तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तीसरा कंडीशन है ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2 साल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए सेल होने से पहले। इसमें कोई भी आदमी इसे एग्रीकल्चर लैंड एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी थर्ड पर्सन यूज कर सकता है। चौथा कंडीशन है आपको नई अर्बन एग्रीकल्चर या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड 2 साल के अंदर खरीदनी है। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी बैंक में खोलना है और आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से पहले सारा पैसा इस अकाउंट में डाल देना है। जब आप अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लोगे तो आपको इसे 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये है सारी कंडीशंस इस सेक्शन की। होप आपको ये सेक्शन 54B समझ आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरा सेक्शन, सेक्शन 54EC। अब सेक्शन 54EC क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी लैंड और बिल्डिंग है वो कमर्शियल हो सकती है, रेसिडेंशियल भी हो सकती है, और आपने इसको बेच दिया है तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है आप इसको REC, NHAI, PFC, IRFC और एनी अदर गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा और आप जो कैपिटल गेन लगा हुआ है वो माफ पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ की लैंड और बिल्डिंग थी और आपने उसे 1.5 करोड़ में बेच दी तो आपको जो 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है उस पे आपको REC या NHAI का कोई भी बॉन्ड खरीद लीजिए। ये सेक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इस सेक्शन को यूज नहीं कर सकते और आपको इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पर इस सेक्शन को यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। पहला है ये सेक्शन कोई भी यूज कर सकता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, LLP एक्सेट्रा। आपको लैंड या बिल्डिंग बेचने के 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। जब आप REC या फिर NHAI के बॉन्ड खरीद लोगे तो आपको इसे 5 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। मैक्सिमम इस सेक्शन में 50 लाख तक का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, उससे ऊपर जो भी कैपिटल गेन है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। होप आपको ये सेक्शन 54EC समझ आ गया होगा। अब समझते हैं तीसरा सेक्शन, सेक्शन 54F। अब सेक्शन 54F क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और आपने इसको बेच दिया है, मतलब आपके पास कोई शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, ज्वेलरी हो या कमर्शियल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ऑफिस, मतलब कोई भी कैपिटल एसेट बेची हो, तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उससे आपको कोई घर या हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन लेके घर बनवा सकते हैं, फ्लैट भी ले सकते हैं और आपको जो कैपिटल गेन लगा हुआ है वो पूरा माफ हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूरा सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपने अगर कोई 1 करोड़ की कैपिटल एसेट 2 करोड़ में बेची है तो आपको पूरा 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई हाउस प्रॉपर्टी में।
अगर यूज कम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसका पैसा 2 करोड़ ना इन्वेस्ट कर कम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेटली उसका कैपिटल गेन माफ होगा। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इस सेक्शन को यूज नहीं कर सकते और आपको इससे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस सेक्शन को यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। पहला है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही यूज कर सकता है, कोई कंपनी LLP इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा है, जब भी आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचो तो आपके पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, और अगर 2 घर हैं तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर घर जॉइंट में लिया हुआ है, जिससे जैसे मैं, जैसे मेरा और मेरी वाइफ के नाम पे जॉइंट पे घर लिया हुआ है, तो एक घर मेरा हो सकता है और एक घर मेरी वाइफ का भी हो सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट इस सेक्शन में 10 करोड़ तक ही आप अवेल कर सकते हो फॉर द परचेज ऑफ न्यू हाउस। आपको कैपिटल एसेट के बेचने के 1 साल पहले या फिर 2 साल के अंदर दूसरा घर बनाना पड़ेगा, या बनाया हुआ हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हो। पर अगर आपने लैंड ली है तो और उसको आप ऊपर घर बनवा रहे हो, तो इसके अंदर आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक घर था, एक फ्लोर था, आपने ऑलरेडी सेकंड फ्लोर बनाया है, आपने उसे तोड़ के बनाया है, नया घर बना दिया, आपने उसको रिपेयर भी करवा लिया है तो भी चल जाएगा। पर अगर आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे हो, तो आपको ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में खोलना पड़ेगा, और आपको इसको ड्यू डेट ऑफ ITR और फाइलिंग से पहले खोलना पड़ेगा और सारा पैसा उसके अंडर डालना पड़ेगा। जब आप नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो आपको इसे 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, मतलब ना तो कोई नया घर ले सकते हो 2 साल के अंदर और ना ही कोई घर बना सकते हो 3 साल के अंदर। होप आपको ये सारे एग्जेम्पशन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। और अगर आपको हम और भी ऐसी नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माई सेल्फ सीए ऋषभ बोथरा, थैंक यू।